Hey, this is Rooja Angel, and today we are going to know how the Vedas are formed. So there is one story belonging to this. तो एक बार क्या होता है, भगवान शंकर सोचते हैं कि अब क्या करें, राक्षस तो सब पूरा खराब कर रहे, धरती सारा भस्म कर रहे, अब क्या करें। तो वो सोचते कि उनको एक चाल में फंसाते। वो क्या करते, उनके एक सेनापति को शिशु के दरबार में भेजते और बोलते कि उनको बताना कि शाम को अगर आपको अमृत चाहिए तो शाम को यह देर पे आना है आपको। तो राक्षस तो है ही लालची, तो ठीक है बोले और चले आए। भगवान भी थे उधर, और उधर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उधर रस्सी नहीं थी वो पर्वत को खींचने के लिए। तो भगवान शंकर के इधर जो नागदेव लपेटा रहता है वो बोले कि मैं लपेट जाता हूँ पर्वत को और आप मुझे खींचना। बोले ठीक है, तो वो लपेट गए। किनारे एक प्रॉब्लम खड़ी थी कि इतने बड़े पर्वत को घुमाएंगे कैसे। तो भगवान विष्णु बोले मैं इस पर्वत को नीचे से ऊपर करूँगा। भगवान बोले ठीक है, उन्होंने कर दिया। फिर क्या, उधर से ऐसे खींच, भगवान इधर से खींचने लगे, राक्षस इधर से खींचने लगे, खींचना चालू किया। अग्नि निकली, लक्ष्मी निकली, स्वास्तिक निकला, शुभ निकला, लाभ निकला, विष तक निकल गया, लेकिन अब कुछ निकला नहीं। तो वो बोले अब क्या करे। वो बोर मारने लगे और जाने वाले थे, तब एक मस्त से नटी थटी लड़की का अवतार लिया और बोले मेरे लिए करो ना। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने वापस चल किया। फिर कुछ देर बाद अमृत निकला, तो राक्षसों ने ले लिया। लेकिन जब राक्षसों ने लिया तो भगवानों के पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये तो अमर हो जाएंगे। अमर होना मतलब कितने भी मारो लेकिन नहीं मरना। तो क्या करे, इन्होंने ऐसा सोचा। तो भगवान विष्णु बोले मैं लाऊंगा। भगवान शंकर बोले ठीक है। उन्होंने वह उतार लिया मस्त नटी टटी लड़की का, वापस उधर गए और बोले मैं सबको अमृत बांटूंगी। बोले ठीक है, राक्षस बोले। उन्होंने वह अमृत लिया और एक राक्षस के पास पहुंचने वाली थी, तब से गायब हो गई। और जब भी वो अमृत निकला था ना, तभी चार बच्चे निकले। राक्षस बोले हमें नहीं चाहिए बच्चे, आप ही ले लो, हमारे कुछ काम के नहीं है बच्चे। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने ले लिया। तो उन्होंने उन बच्चों का नाम रखा, एक का रखा अथर्ववेद, एक का रखा ऋग्वेद, एक का रखा यजुर्वेद और एक का रखा सामवेद। तो एक बार क्या होता है, वो जरा से बड़े हो जाते हैं तो फिर भगवान ब्रह्मा उनको कुछ किताब लिखने देते, तो वो इस पे लिख देते। और लिखने के बाद वो तो कुछ उन भगवानों को कुछ भाषा कुछ समझ नहीं थी, तो उन्होंने एक ऋषि मुनि के पास दे दिया और बोलो आप लिख लो, ये आपके भाषा में लिख लो ये। तब से ये किताब चालू हुई और इन पे आज सब कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार वेद तैयार हो चुके हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।